लोग का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग टॉपिक टीचिंग नरेशन का एक पार्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यू एच वर्ड। इसके पहले आप लोग सीखे कैसे करते हैं चेंज द पर्सन, कैसे करते हैं चेंज द टेंस और किस टाइप से हम लोग जेंट नरेशन बनाते हैं, ठीक है। और जो भी चैनल में न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी पर्सन जितने भी है उसको शेयर करें ताकि जितने भी न्यू वीडियो अपलोड कर सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहे तो कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। आइए देखते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चेंज इंटू डायरेक्ट, चेंज डायरेक्ट टू, चेंज डायरेक्ट इंटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। आई डायरेक्ट नरेशन, he said to me do you play hockey। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे he said to me do you play hockey। हम क्या बताया था आपको he said to me को बोले रिपोर्टिंग वर्ब और डू यू प्ले हॉकी आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए डू यू प्ले हॉकी मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको हम जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए ही को आपको सेम ही लिखना है, जब भी देखिए डू डज इज एम आर वाज वर हैव हैज से अगर स्टार्ट हो अगर, ठीक है, सबसे पहले से टू को यहाँ पे आपको हटाना है और इसके स्थान पे आपको आस्क लिखना है, हो जाएगा ही आस्क्ड मी का मी लिखना है। अब ध्यान दीजिए जब पढ़ाए थे आपको हम अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो बताए थे कि आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, पर यहाँ पे आपको दैट नहीं लगा के यहाँ पे आपको इफ का यूज करना है। आप वो यूज कर सकते हैं इफ भी और वेदर भी, दोनों में कुछ भी आपके दोनों बहुत हाँ करेक्ट होगा। ही आस्क मी इफ, अब ध्यान दीजिएगा जब आप देखेंगे यहाँ पे एज इट इज पर्सन और टेंस सेम चेंज करना है पहले की तरह, और जब इसको डू यू प्ले हॉकी को चेंज करेंगे सबसे पहले चेंज करना है आपको इन अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आस्क मी इफ। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है तो जाएगा आपको सेकेंड में, ही आस्क मी इफ आई, अब देखिए डू यू प्ले हॉकी ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट टेंस ही जाएगा आपको सिंपल पास्ट टेंस में। ही आस्क मी इफ आई प्लेड हॉकी और यहां पे हो गया आपका फुल स्टॉप। ये देखिए बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं आपको हो जाएगा क्लियर डायरेक्ट नरेशन। राम सेड टू यू, राम सेड टू यू डज सी सींग अ, डज सी सींग अ सॉन्ग। राम ने आपसे कहा या राम ने तुमसे कहा Does she sing a song? वह गाना गाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा जब भी डू डज इज एम आर हो सबसे पहले से टू को हटा कर लिखना है आपको आस्क लिखना है। राम का आपको राम लिखना है, से टू को हटाकर आपको आस्क लिखना है राम आस्क यू। अब कॉमा इनको हटा कर लिखना है आपको इफ लिखना है, देखिए इफ राम आस्क्ड यू इफ। अब देखिए
थर्ड पर्सन नो चेंज, ध्यान दीजिएगा एस एच ई सी जो है वो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, सेम इतनी से लिख देते हैं। तो इफ सी और ये सिंपल प्रेजेंट चल जाएगा आपको सिंपल पास्ट में, राम आस्क यू इफ सी सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। एक और देखिए आप क्या सीखे यहाँ पे, इंडोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज कर डायरेक्ट से इंडायरेक्ट रिलेशन में। यहाँ पे क्या देखिए सेड टू घटा के लगाते थे, वहां पे हम लोग क्या थे टोल्ड, लेकिन जब डू डज इज एम आर सेंस आर, एक और देखिए आपको और भी अच्छा हो जाएगा क्लियर डायरेक्ट नरेशन का। आई सेड टू देम, आई सेड टू देम इज ही गोइंग टू कोलकाता, I said to them, is he going to Kolkata? अब देखिए कैसे बनाते हैं डायरेक्ट नरेशन में, देखिए I का पहले लिखना है, said to को करना है आपको asked, I asked them, कॉमा मिड कॉमा को हटा के आपको लिखना है if। अब ध्यान दीजिएगा he थर्ड पर्सन नो चेंज, ध्यान दीजिएगा इज ही गोइंग टू कोलकाता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इफ ही अब हो जाएगा यहाँ पे इज का वाज, इफ ही वाज गोइंग टू कोलकाता। आइए अब देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, आइए जो सीखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में, डब्ल्यू एच वर्ड्स फैमिली कैसे बनाएंगे। देखिए राइट नरेशन का डब्ल्यू एच वर्ड्स है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, She said to me, "Where are you going?" अब ध्यान दीजिए डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट नरेशन में, सी का सी लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा said to को फिर से चेंज करना है आपको आस्क में, सी आस्क मी। अब ध्यान दीजिएगा जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिया हुआ हो डायरेक्ट नरेशन में और चेंज करना है आपको इंडायरेक्ट नरेशन में, तो सेम इट इज वेयर का वेयर लिखते हैं, कुछ भी आपको नहीं लगाना है, ना ही इफ लगाना है, ना ही वेदर लगाना है और ना ही आपको इसमें दैट लगाना है। सी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, फिर चेंज करना है इनका वो अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए यू कौन सा सेकेंड पर्सन, ये जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी आस्क्ड मी वेयर I, अब देखिए आर है क्या मतलब चेंज होगा इसमें वाज वर में, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग। आई एक और देखते हैं डायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड टू मी, द टीचर said to me when did you go to market, the teacher said to me when did you go to market। देखिए इस टेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए सेम लिखना है आपको, द टीचर अब सेड टू को चेंज करना है आपको आस्क में, द टीचर आस्क मी, अब जब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस हो सेम लिखना है आपको डब्ल्यू एच वर्ड, द टीचर आस्क मी व्हेन, अब डिड यू गो टू मार्केट, आपको सबसे पहले इसको देखना है कौन सा टेंस में है
और उसको चेंज करना अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। डिड यू गो टू मार्केट, ये सिंपल पास्ट में, ये जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। यू देखिए सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, हो जाएगा आई हैड गॉन टू मार्केट। फिर क्या बन गया, द टीचर आस्क्ड मी व्हेन आई हैड गॉन टू मार्केट। आइए एक और संदेश देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन। राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, आर यू, राम सेड टू सीता, What are you cooking food? आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में। राम सेड टू सीता, तो राम सेड टू यूज करना है आपको आस्क्ड में, राम आस्क्ड सीता। देखिए सेंटेंस क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड तो सेम दिखना है डब्ल्यू एच वर्ड। राम आस्क सीता व्हाट, चेंज करना सीता से, सीता नेम लिखना है आपको नहीं है, उसके बदले आपको करना है यहाँ पे सीते सीता के लिए सी व्हाट, सी व्हाट सी वाज कुकिंग फूड। भी क्या बन गया नेटनेशन, राम आज सीता व्हाट सी वाज कुकिंग फूड। तो आज हम लोग क्या सीखे, दो तरह का सेंटेंसेस, एक आपका इंडोटिव सेंटेंस कैसे चेंज कर डेक्लेरेशन से डेक्लेरेशन में, और सेकंड देखे डब्ल्यू एच वर्ड्स मीन्स कहीं वेयर का वेयर लिखना है, व्हेन का व्हेन लिखना है, व्हाट का व्हाट लिखना है, और एज इट इज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। जो भी चैनल में न्यू सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, यहाँ हर कोर्सेस का अवेलेबल है, स्पोकन ग्रामर जेटेट सीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंकिंग रेलवे एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर चीज यहाँ करवाई जाती है, इंटरव्यू ट्रेनिंग भी यहाँ पे होता है। ओके दैट्स ऑल, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।